Welcome to Splendid Moms. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. Hello everyone, welcome to Splendid Moms. आज हम देखेंगे EVS lesson water for class 1, जिसमें बच्चों को basically ये समझाया जाता है importance of water, के water क्यों important है, sources of water, पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसके अलावा how to keep it clean, कैसे पानी को साफ रखना चाहिए, कैसे पानी बचाना चाहिए, waste नहीं करना चाहिए, और uses of water, water कहाँ-कहाँ use होता है. तो basically ये एक overview है जो बच्चे सीखते हैं इस lesson में. आर बेसिक नीड्स एक चैप्टर होता है जिसमें डिफरेंट लेसन्स होते हैं. बेसिक नीड्स यानी जो हमारे लिए बेसिक नीड्स है, जैसे कि पानी, खाना और जो कपड़े हैं, जो हमारा घर है, शेल्टर, ये सारी लेसन्स इस चैप्टर में कवर की जाती है. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर रिलेटेड सम एक्सप्लेनेशन एंड उसकी जो वोकैबुलरी है, क्वेश्चन आंसर्स है या फिर कुछ ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वगैरह, मैचिंग वगैरह जो आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं. सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल होता है. और बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से ही जो सारे लिविंग बींग्स है ना अर्थ पे, वो सारे जी रहे हैं और अर्थ पे रह रहे हैं. क्योंकि बाकी प्लैनेट्स पे तो वाटर नहीं होता, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. इसीलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे रोजाना डेली जो टास्क होते हैं, सब में वाटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता ही है. और इसीलिए जो है पानी को प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड भी कहा जाता है. ये देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ वाटर समझाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चे को, क्योंकि ये जो डेली टास्क होते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ये सारी चीजें बच्चे अपने घर में देखते हैं, तो उनको पता है कि पानी यहाँ यहाँ यूज होता है. कुछ चीजें जो आपको समझानी है, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स, प्लांट्स, जो लिविंग बींग्स हैं, उनके लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालोगे तो वो बढ़ेंगे नहीं, वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे और प्लांट जो है मर जाएगा. इसी तरह से जो क्रॉप्स होते हैं, जहां से हमें दाल चावल वगैरह मिलते हैं, उनको ग्रो करने के लिए भी पानी की जरूरत है. मतलब इनडायरेक्टली जो हम खाना खाते हैं ना, वो बनने के लिए, फील्ड्स में वो क्रॉप्स उगाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है. ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं यूजेस के, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है. फायर अगर लग जाए तो उसको बुझाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, घर बनाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, हमारे सराउंडिंग्स क्लीन रखने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, एंड जो पानी है वो घर होता है एनिमल्स का. इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं व्हाट यूजेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट कमिंग टू सोर्स ऑफ वाटर. सी, यहाँ पे कुछ सोर्स हैं. बेसिकली जो रेन वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि रेन वाटर से ही हमारे जो वाटर बॉडीज होते हैं, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, सी, ओशन, ये फिलअप होते हैं. तो ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लाउड से जो रेन आता है वो सोर्स होता है. इसके अलावा जो नेचुरल बॉडीज होती हैं, रिवर, सी, ओशन, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होता है, जहाँ पे पानी नेचुरली सेव्ड रहता है. इसी तरह से लेक, लेक नेचुरल भी हो सकता है या फिर मैनमेड भी हो सकता है, लेक में पानी अवेलेबल होता है. पॉन्ड, जो छोटा सा स्टोरेज होता है पानी का, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड हो सकता है, डर्टी वाटर पॉन्ड हो सकता है, किसी तरह का भी पॉन्ड हो, ये सारी सोर्स ऑफ वाटर है. इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है वो ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत डीप चला जाता है, और उसको निकालने के लिए वेल्स या हैंडपम्प्स का यूज किया जाता है. तो बेसिकली दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर जो आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये सारी चीजें तो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर आप क्वेश्चन करोगे ना छोटे बच्चों को कि पानी कहाँ से आता है, तो वो कहेंगे टैप. उनका वन एंड ओनली आंसर होगा टैप. तो आपको ये भी समझाना है कि टैप में वाटर कैसे आता है. जो हमारे वाटर वर्क डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो पानी को पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह से जो वाटर बॉडीज होते हैं, वहां से थ्रू पाइप्स कलेक्ट करते हैं, डर्टी वाटर को क्लीन करते हैं, फिर टैप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू टैप तक हमें पहुंचाते हैं. और पहुंचाने के बाद हम क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं. तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज भी आप उनको समझाइए, जैसे कि टैंक्स होती हैं, हम पानी जैसे कि स्टोर करते हैं घर के टेरेस पर, टैंक्स में, सिंटेक्स में, या फिर जो गांव में बकेट्स, जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं, हम स्टोर करते हैं. हम क्यों स्टोर करते हैं, सो दैट हम लेटर उसको यूज कर पाए, बाद में हम नहाने के लिए, पकाने के लिए हम उस पानी को यूज करें, इसीलिए हम पानी को स्टोर भी करते हैं. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बच्चे को समझा सकते हैं सोर्स ऑफ वाटर, कैसे पानी घर पे आता है, कैसे हम स्टोर करते हैं, और हम किन किन चीजों के लिए पानी का यूज करते हैं.
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप बच्चे को समझा सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, के पानी जो है वो पानी उसका कलर, शेप, टेस्ट या स्मेल नहीं होता, यानी वो कलरलेस होता है, शेपलेस होता है, क्योंकि आप अगर ग्लास में पानी डालो और उसको फ्रोज कर दो तो वो ग्लास की शेप में आइस बनाएगा, अगर वो बोल में लोगे आप तो बोल की शेप में बनाएगा, मतलब कि वो शेपलेस है, वो जिस कंटेनर में आप पानी लोगे वो शेप वो लेगा। सो इट इज कलरलेस, इट इज शेपलेस, इट इज टेस्टलेस, क्योंकि उसका टेस्ट नहीं होता, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, यानी उसकी कोई खुशबू या फिर बदबू नहीं होती पानी की, अंटिल एंड अनलेस उसमें कुछ मिलावट ना हो। सो प्योर वाटर इज ऑर्डरलेस। तो इसी तरह से कलरलेस, शेपलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इन द एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बच्चे को समझानी है इस लेसन के थ्रू, के हाउ टू सेव वाटर, पानी आप कैसे सेव कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें जो बच्चे खुद भी कर सकते हैं वो हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि जब वो ब्रश कर रहे हैं उनको टैप क्लोज करना है, पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसी तरह से बकेट और मग का यूज करना है जब वो पानी नहा रहे हैं या फिर कोई व्हीकल वॉश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पाइप या शार, और इसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिस वाटर से हम वॉश करते हैं उस वाटर को वो रीयूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। इसके अलावा एक और अच्छी चीज यहाँ पे है कि जब वो स्कूल से रिटर्न आते हैं उनके बॉटल में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ होता है, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट वो उस पानी को फेंकने के बजाय वो अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप बच्चे को इस लेसन की एंड में समझाइए, हाउ टू सेव वाटर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है वाटर, और इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कमिंग टू इन द एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेस, यहाँ पे बच्चे को आंसर्स करेक्ट जो आंसर है उसको पिक करना है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, देन वी यूज वाटर टू पुट ऑफ फायर, या वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसी तरह से कुछ ब्लैंक्स यहाँ पर हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट बच्चे को आप थोड़ी प्रैक्टिस करवा सके। ब्लैंक्स, देन मैच, जैसे मैंने कहा ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी बच्चे सीखते हैं। तो लेसन जब एक बार आप समझा दो ना बच्चे को तो कुछ न्यू वर्ड्स कलेक्ट करिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं लेसन में जो जो न्यू वर्ड्स बच्चों को पढ़ने को मिलेंगे, इन सारी वर्ड्स की आप स्पेलिंग्स जरूर सिखाइए सो दैट आंसर्स जब वो लिखे ना तो उनको हेल्प मिले। कुकिंग, वॉशिंग, ये सारी यूजेस हैं, ये सारी सोर्स ऑफ वाटर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे को सिखानी चाहिए, सोर्स ऑफ वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर। इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स, ये मैंने कुछ टेक्स्ट बुक से कलेक्ट किए हैं। बेसिकली हर स्कूल अलग अलग टेक्स्ट बुक फॉलो करता है, अलग अलग पब्लिकेशन फॉलो करता है, बट सिखाना वही होता है लेसन में, सोर्सेस, यूजेस, हाउ टू कीप वाटर क्लीन, इस तरह की टॉपिक्स इंक्लूडेड होती हैं वाटर में। सी, मेंशन एनी थ्री यूजेस ऑफ वाटर, पानी के कोई तीन यूज बच्चे को बतानी है, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। जैसे मैंने कहा अगर आप स्पेलिंग सिखाओगे ना तो आंसर्स लिखने में बच्चे को बहुत हेल्प हो जाएगी। नेम एनी फाइव सोर्सेस ऑफ वाटर, सी, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। हमें ये भी लिखाना है द फाइव सोर्सेस ऑफ वाटर आर, डायरेक्टली पॉन्ड्स इस तरह से नेम्स नहीं लिखाने हैं, बच्चे को कहिए सेंटेंस लिखे उसके बाद जो फाइव नेम्स उसने सीखे हैं वो लिखने के लिए कहिए। ये वन वर्ड आंसर नहीं है, इन प्रॉपर सेंटेंस बच्चे को लिखना आना चाहिए क्योंकि वो अभी क्लास वन में है। हाउ कैन वी कीप आर सोर्स ऑफ वाटर क्लीन, सो वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन टू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सो जब आप सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ा रहे हैं ना तब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी किस तरह से डर्टी होता है। हमें जो पानी है, जो हमारा लेक का पानी है, पॉन्ड का पानी है, उसमें हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, एनिमल्स को वॉश नहीं करना चाहिए, जो हमारे पास जो कचरा कूड़ा बचा हुआ है हमें उसको पानी में नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उससे पानी डर्टी हो जाता है और हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह से हाउ टू कीप आर सोर्स ऑफ वाटर क्लीन, सो वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन टू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सो बेसिकली इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं फॉर लेसन वाटर फॉर ईवीएस क्लास वन। सो ये था आज का वीडियो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। नेक्स्ट वीडियो में फॉर ईवीएस विल सी अबाउट फूड। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। Happy parenting from Splendid Moms.
Happy parenting from splendid moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.